हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रॉकी एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल रॉकी 52 कार्ड्स मैजिक शो। तो आज मैं करने जा रहा हूँ 26 ट्रिक का रिव्यू, जिसमें चर्चा होगी 5 पॉइंट्स पर। तो पहला पॉइंट्स होगा 26 ट्रिक होती क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट होगा 26 ट्रिक के लिए डेक कैसे प्रिपेयर करते हैं। थर्ड पॉइंट होगा डेक में से कार्ड्स को कैसे खींचते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा कार्ड्स को कैसे मिक्स करते हैं या भरते हैं। फिफ्थ पॉइंट होगा लाइन चेंज कैसे करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए फर्स्ट पॉइंट, 26 ट्रिक क्या होती है। 26 ट्रिक का निर्माण ताश के पत्तों का जादू दिखाने के लिए किया गया था। इस ट्रिक के माध्यम से कुछ लोग ताश के पत्तों में हेर फेर करके अंदर बाहर खेल में धोखाधड़ी करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, 26 ट्रिक के लिए डेक को कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए आपको 3 वस्तुओं की आवश्यकता होगी। पहली, गत्ते की या कागज की ताश की गड्डी। दूसरी, सैंड पेपर जो दीवार को घिसते हैं। थर्ड, रबर बैंड जो कि नोटों की गड्डी को बांधने के काम आती है। सबसे पहले आपको 26 कार्ड्स को 2 पार्ट्स में अलग अलग करना है जो आपको पसंद आए। मैं 26 कार्ड्स को कुछ इस तरीके से अलग करता हूँ, जैसे इक्का, दुग्गी, पंजा, अट्ठा, गुलाम, बेगम और 2 लाल कलर की तिग्गी। तो फ्रेंड्स अब बन गए 2 पार्ट्स। एक पार्ट्स में है इक्का, दुग्गी, पंजा, अट्ठा, गुलाम, बेगम और 2 लाल तिग्गी। दूसरे पार्ट्स में है चौवा, छक्का, सत्ता, नौवा, दहला, बासा और 2 काली वाली तिग्गी। तिग्गी को 2 काली और 2 लाल तिग्गी यानी चारों तिग्गी को बोलते हैं चोर पत्ता। क्या बोलते हैं? चोर पत्ता। इस ट्रिक में इस चोर पत्ता का पता नहीं लगा सकते कि यह अंदर जाएगी या बाहर जाएगी। अब दोनों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट उठाइए और उन पर एक नीचे और एक ऊपर जोकर लगाइए। अब इनको रबर बैंड की सहायता से इनको बांध दीजिए। अब उठाइए सैंड पेपर और यह रबर बैंड के बीच में जो जगह दिख रही है आपको इस जगह घिसना है। घिसने का तरीका, एक बार ऊपर से नीचे तक घिसिए और एक बार नीचे से ऊपर की ओर घिसना है। अब डेक को पलट लीजिए, ठीक इसी प्रकार फिर से घिसिए, एक बार ऊपर से नीचे की ओर और एक बार नीचे से ऊपर की ओर। ठीक इसी प्रकार अब कार्ड को दूसरी तरफ घिसिए, एक बार ऊपर से नीचे की ओर और एक बार नीचे से ऊपर की ओर। फिर डेक को पलट लीजिए। अब फिर से वही प्रक्रिया फिर से दोहराइए, एक बार ऊपर से नीचे की ओर घिसना है और एक बार नीचे से ऊपर की ओर घिसना है। आपकी डेक प्रिपेयर हो चुकी है। अभी डेक का फर्स्ट पार्ट प्रिपेयर हुआ है। अब डेक का सेकंड पार्ट उठाइए, ठीक फर्स्ट पार्ट की तरह एक जोकर ऊपर लगाइए और एक जोकर नीचे लगाइए। अब रबर बैंड से बांध दीजिए। अब उठाइए सैंड पेपर जिसे पहले से एक प्लास्टिक के पाइप में रोल करके रखा हुआ है। अब समझिए इस पार्ट में डेक को कहां पर घिसना है। डेक के ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखिए, रबर के ऊपर जो जगह बची हुई है यहां पर डेक को घिसना है। घिसने का तरीका वही पहले के जैसा रहेगा, एक बार ऊपर से नीचे की ओर और एक बार नीचे से ऊपर की ओर घिसिए। अब डेक को पलट लीजिए, फिर से वही प्रक्रिया दोहराइए, एक बार ऊपर से नीचे की ओर घिसिए, एक बार नीचे से ऊपर की ओर घिसिए। अब डेक को घुमा लीजिए। याद रखिए डेक को 2 ही कॉर्नर में घिसना है। यह देखिए डेक के ऊपर राइट हैंड साइड के कॉर्नर में जो रबर बैंड के ऊपर जगह बची हुई है यहीं पर घिसना है। घिसने का तरीका वही रहेगा, एक बार ऊपर से नीचे की ओर घिसना है और एक बार नीचे से ऊपर की ओर घिसना है। अब डेक को पलट लीजिए
फिर से वही प्रक्रिया दोहराइए। एक बार ऊपर से नीचे की ओर घिसिए और एक बार नीचे से ऊपर की ओर घिसिए। अब आपकी डेक के दोनों पार्ट प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। अब यह डेक 26-26 ट्रिक के लिए रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अब 26-26 ट्रिक की प्रिपेयर्ड डेक के पार्ट्स को अलग अलग करते हैं। दोनों पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट अपने हाथ में लीजिए और दूसरे पार्ट में से एक कार्ड को इसके अंदर डालिए। अब समझिए डेक को पकड़ने का तरीका। लेफ्ट हाथ से, लेफ्ट हैंड से डेक को कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे। अब राइट हैंड से इस तरीके से यहाँ पकड़ेंगे। अब हल्के हाथों से राइट हैंड से कार्ड को कुछ इस तरीके से डेक में से कार्ड को ड्रॉ करेंगे। ठीक इसी प्रकार अब इस पार्ट में दूसरे पार्ट में से दो पत्ते डालिए। फिर इसी प्रकार से कार्ड्स को ड्रॉ कीजिए। इसी क्रम में अब तीन कार्ड्स डालिए, फिर चार डालिए, फिर पांच डालिए, फिर छः डालिए, फिर सात डालिए। इस तरीके से पूरे पार्ट्स को मिक्स कर लीजिए और बिल्कुल इसी प्रकार से सभी कार्ड्स को इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, मतलब खींचेंगे। इस तकनीक से डेक में से 26-26 कार्ड अलग हो जाएंगे। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। कार्ड्स को कैसे मिक्स करते हैं या भरते हैं। कार्ड्स को मिक्स करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक बहुप्रचलित तकनीक जिसे हम डबल पत्ते की फेंट कहते हैं, आज मैं आप लोगों को डबल पत्ते की फेंट कैसे लगाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली, जिसे हम पिंकी फिंगर कहते हैं, इसकी एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार से करनी होगी। अब अपनी पिंकी फिंगर को बंद कीजिए, इसके ऊपर डेक को रखिए और बड़े ही आराम से लेफ्ट हैंड के अंगूठे से ऊपर के पत्ते को प्रेस करते हुए राइट हैंड से डेक को पीछे की ओर खींचिए। अब अपनी पिंकी फिंगर को स्ट्रेट कीजिए और फिर से बंद कीजिए। फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराइए। पिंकी फिंगर को बंद कीजिए, इसके ऊपर डेक को रखिए और लेफ्ट हैंड से थंब की हेल्प से टॉप कार्ड पर प्रेस करते हुए राइट हैंड से डेक को पीछे की ओर कीजिए। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे जब तक कि सभी कार्ड मिक्स ना हो जाएं। तो अब आप सीख चुके हैं डबल पत्ते की फेंट कैसे लगाते हैं। तो अब आप कार्ड में मिक्सिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम आज के लास्ट पॉइंट के बारे में, लाइन चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले समझिए कि लाइन चेंज करना क्या होता है। इसको समझने के लिए खींच पत्ता खेल का इस्तेमाल करेंगे। खींच पत्ता कुछ इस प्रकार से खेला जाता है, जैसे डेक में से कोई भी अपने मनपसंद का एक कार्ड बाहर निकालते हैं। अब उस पत्ते को अंदर की ओर मारना होता है। 26-26 ट्रिक में आपको पता चल जाएगा कि यह पत्ता अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। जो पत्ता बाहर जा रहा है उसको अंदर लाने के लिए जिस तकनीकी का हम यूज़ करते हैं, उसे हम लाइन चेंज कहते हैं। लाइन चेंज करने की कई प्रकार की तकनीक होती हैं। उनमें से एक तकनीक को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ऊपर के पत्ते को नीचे की ओर ले जाने से आसानी से लाइन चेंज हो जाएगी। इस तकनीकी को कहते हैं पलट मारना। राइट हैंड से आप डेक को पकड़िए, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर बड़ी वाली उंगली को डेक के ऊपर कुछ इस प्रकार से रखिए। अब यहाँ से फिसलाते हुए नीचे की ओर ले जाइए कार्ड को। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आप बड़े आसानी से पलट मारना सीख जाएंगे। उम्मीद है कि मैंने 26-26 ट्रिक को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं 26-26 ट्रिक के बारे में, तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल रॉकी 52 कार्ड्स मैजिक शो। नमस्कार।